लखनऊ में लकड़ी चोरी का खुलासा न होने से व्यापारियों में भारी आक्रोश। सीओ ने दिया जल वकाउट का भरोसा। बगीवर इटावा स्थानीय थाना अंतर्गत कस्बा लखनऊ में विगत 9 मई की रात को हुई लकड़ी चोरी का खुलासा आज तक न होने से कस्बे के व्यापारियों में भारी रोष वापस व्याप्त है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद इटावा के जिलाध्यक्ष कुंवर संतोष सिंह चौहान ने इस संवाददाता को बताया कि विगत 9 मई की रात को पक्की तालाब के किनारे बसी अजय कुमार पाल कार का मोहाल लखना सपरिवार रिश्तेदारी में गए हुए थे। तभी रात को लगभग 10 बजे चोरों ने सबसे पहले उनकी दरवाजे पर लगा बल्ब तोड़ डाला तथा बिजली की केबल काट कर अंधेरा कर दिया और बाहर से लोहिया दरवाजे पर लगा मजबूत ताला तोड़ दिया तथा अंदर घर में प्रवेश करके सुनेली अलमारी को मजबूत सरिया से अलमारी खोल कर उसमें रखे हुए सोने और चांदी के सभी गहने चुरा कर ले गए। रात में गृह स्वामी तथा उनकी पत्नी के आने पर घर की टूटी दरवाजा और अलमारी को देखकर इसकी सूचना थाना बकेवर को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, परंतु 4 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी है। जिला अध्यक्ष चौहान ने इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी भर्तना साधुराम से तथा चौकी इंचार्ज से निश्चित जानकारी करके शीघ्र ही इस लकी चोरी का पर्दाफाश करने का अनुरोध किया है। चौहान के साथ साथ देवेंद्र सिंह चौहान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला इटावा संतोष सिंह राठौर नगर अध्यक्ष लखन एल लकी किशोर कोरवाल युवा अध्यक्ष लखन एल सहित कस्बे के तमाम व्यापारियों ने इस चोरी का शीघ्र पर्दाफाश किए जाने की जोरदार मांग की है।